Hello, good morning. This is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog. दी परी पहले तू बोल तेरी क्या ड्यूटी है? I have a lot of school work to do. I will clean my room and the third room. You will clean your room and the third room. Kids room and study room. Mm-hmm. और तेरे assignments कौन से बाकी हैं? I have to do all today. और दीर तू? कितने असाइनमेंट्स? फोर. कौन से? हिंदी? थ्री. हिंदी और केमिस्ट्री. नो, ही हैज फोर. ही हैज वन ड्यू टुडे. हिंदी ऑफ टू ड्यू टुडे. टू फोर. हिंदी, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री और हॉल का. हॉल तेरी ड्यूटी है. पहले तो तू हॉल क्लीन करेगा, उसके बाद अपने असाइनमेंट्स लेके बैठेगा. और मेरा काम है, मेरा मुझे लंच बनाना है, मेरा रूम करना है, मेरी वीडियो एडिट करके पोस्ट करनी है, मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट तैयार करनी है. सबसे ज़्यादा काम मेरे ही है. फिर क्या? चल, ओके. सो ये हमने लिस्ट बनाई है जिसके बिना हमारा कोई भी काम ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ ऑन वीकेंड्स when children are also involved in daily chores, we make a to-do list कि कौन कौन सा काम करेगा, ताकि organized way में सब अपना काम complete कर सके. otherwise the day will be very disorganized और कोई काम end of the day होगा ही नहीं. तो हमने अभी list काम divide कर लिया है. अगर विपुल होते हैं usually Sundays को, तो हम विपुल के हिस्से में भी काम रखते हैं. so since विपुल is not there, we've divided the work among the three of us. और सबको पता है कि अपने अकॉर्डिंगली ये काम उनको करना है, ना तो इसमें झगड़ा होगा बच्चों में आपस में कि तूने ज़्यादा किया मैंने कम किया. एंड मोर ओवर इट विल बी एन ऑर्गेनाइज डे बेसिकली. सो ये काम है. लंच में क्या खाना है? क्या बनाओगे? राजमा चावल. राजमा भिगोई नहीं, राजमा खाने नहीं आया. रोटी बना दो. मुझे रोटी, मेरे हाँ, रोटी मेरे यहाँ रूट कैनाल में पेन है, तो मैं वो रोटी मैं नहीं खा पा रही हूँ. कल से मेरे बहुत पेन हो रहा है. आई थॉट ऑफ दाल चावल एंड ये जीरा आलू. दाल चावल एंड जीरा आलू. परी, ये आप सिक्के में आलू कर दो. यू बेटर से ओके बेस्ट. सो दाल चावल एंड आलू फ्राई. आलू फ्राई एयर फ्रायर में कर लेंगे. ओके, सो वो काम हो गया. अब मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ इस लिस्ट में? दीप, तेरा केमिस्ट्री का वो असाइनमेंट, उसके लिए सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड चाहिए. परी, तुझे तैयार होके ब्रेड लानी पड़ेगी. दैट्स इट. सबसे ज़्यादा काम मेरा है, तो मैं फटाफट काम पे लगती हूँ. सो हो गई हमारी लिस्ट तैयार एंड वर्क इज़ बीन डिवाइडेड. अब हम लग रहे हैं काम पे. एंड आई विल टेक यू विद मी एंड शो यू कि हम क्या कर रहे हैं. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल फ्रेंड्स, प्लीज इन्वॉल्व, बिकॉज ट्रेंड इज चेंजिंग. नॉट जस्ट अबाउट ट्रेंड, यू नो, वक्त बदल रहा है एंड सिचुएशंस हैव चेंज. दी सोसाइटी हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड. So it is very, very, very necessary that you involve your sons as well in your day-to-day activities. Give them responsibilities, not about they being just independent. I mean, you know, they're doing their own work independently, but they need to be responsible for the house, whether it is their daily chores, whether it is their studies, whether helping their mom. They need to be involved, because now gone is the trend where kitchen used to be, you know, ladies department. Ab har kisi ko har tarah ka kaam aana chahiye, be it boys or be it girls. Aajkal girls are being very independent, they are financially independent, they are, you know, they don't need anyone's help to advise them on what should they do with their earnings, with their savings, and where should they invest. So likewise, boys should also be independent, whether it is cooking or financially independent or in every aspect basically. So involve your sons in your day-to-day chores. Apne ghar ke ladkon se bhi equally kaam karwaiye. Now for that matter, Vipul has always been helping me in my daily chores, be it kitchen or be it ghar ke kaam. He's always been helpful, probably. In fact, not just him, his brothers as well, because that's how they have been brought up, and I'm glad they are brought up this way.
सो दैट यू नो दे आर हेल्पफुल टू अस, दे डोंट डिग्रेड कि अरे ये तो लेडीज़ का काम है. ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये लेडीज़ का काम है या ये जेंट्स का काम है. हर काम ये घर का काम है एंड इट शुड बी डिवाइडेड. व्हेन फाइनेंशियल बर्डन्स लेडीज हैंडल कर सकती हैं तो व्हाई नॉट मेन हैंडल दी अदर डेली चोज ऑफ दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हाउस. सो येस दैट्स द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव थ्रू दिस वीडियो कि अपने बॉयज़ अपने बेटों से घर के काम करवाइए. दे शुड बी इंडिपेंडेंट इन एवरी वे बिकॉज इट्स गुड फॉर देम ऑल्सो. कल को वो भी जब बड़े होकर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएंगे या हॉस्टल्स में रहेंगे, दे विल नो हाउ टू हैंडल देम सेल्फ मच मच बेटर. सो या विद दिस ज्ञान लेट मी स्टार्ट टूडेज डे. चलो लंच टाइम. अच्छी बनी है, क्रिस्पी है, फटाफट खा लो वरना सॉगी हो जाएगी. फाइन गाइस, सी यू आफ्टर लंच. अभी आराम से लंच करेंगे, गर्मी हो रही है, एसी चला दे धीरू. सी यू आफ्टर लंच, सी यू सून. आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो हुआ ये कि आई सैट फॉर एडिटिंग वर्क, आई फिनिश्ड एडिटिंग. नाउ आई एम हेडिंग टू द किचन बिकॉज धीर का एक प्रोजेक्ट वर्क है, केमिस्ट्री वर्क बेसिकली. सो ही नीड्स टू डू ही नीड्स टू प्रिपेयर अ डिश विच इज विच शुड बी अ फायरलेस डिश एंड ही नीड्स टू एक्सप्लेन. हाँ, नॉट एग्जैक्टली फायरलेस. ओके, तो Like, if you want, it should be fireless. Okay, 60%. So not exactly fireless, but if they want, I mean, preferably fireless because bacche hain, they don't, you know, the school teachers don't want them to get hurt and all that. So, iska karna hai project and he chose to make sandwich. And, but baat wahan khatam nahi ho jati hai. Sari problem ye hai, ki while preparing the dish, they have to explain with every step, they have to explain ki how does this help in, I mean, how is chemistry connected to this. To jab ye sandwich banayega, isko pure process mein ye explain karke ek video banani hai ki ye kya bana raha hai aur isme chemistry kaise involved hai. So ye hai aaj kal ki padhai ka tarika. Things have changed because otherwise to koi padhai hoti hai nahi. Zyada online teachers apna kaam kar rahe hain but bacche nikamme ho gaye hain. है ना धीरे. नो, इज़न्ट दैट ट्रू? इट इज. इट्स नॉट. तो चलो फिर लेट्स गेट इन टू द किचन एंड लेट मी सी ये महाशय आज क्या बनाएंगे और क्या एक्सप्लेन करेंगे. आई विल गिव यू अ स्नीक पीक ऑफ दैट. तो चलो लेट्स गेट इन टू द किचन. धीरू, विल यू बी एबल टू कट? एकदम राउंड राउंड बारीक बारीक काटना है. कट कर पाएगा? यस. मोटा मोटा नहीं काटना है. वेरी गुड, वेरी गुड. बी केयरफुल, बी केयरफुल, उंगली बचा के. हाय, सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक सैंडविच एंड आई एम गोइंग टू टॉक हाउ इज केमिस्ट्री यूज्ड इन मेकिंग सैंडविच.
देखिए हो गया है रेडी धीर का सैंडविच। धीरू हियर यू गो बेबी। Friends, I'm back and I'm done with all my chores. I've completed, Dheer has completed his chemistry assignment. That's all, friends. That's all for this vlog. And if you like this, please, please, please consider to subscribe my channel and click on the bell icon so that YouTube notifies you whenever I upload a new video. And please like, share and subscribe. Share it with your friends and family if you like this gyan of mine that I gave today. And yes, do follow me on Instagram for all the latest update. I'm super, super active on Instagram. So if you want to know my whereabouts and everything about my work-related life, so follow me on Instagram and get all the latest updates. So that's all for this vlog. See you tomorrow in a new vlog, new day. Bye-bye. Good night.